बात कोरोना के कहर की, तो लगातार कोरोना धीरे धीरे हर जगह पर अपने पैर और ज्यादा पसार रहा है। और बात राजस्थान की जाए तो कोरोना का मॉर्निंग अपडेट आपको बताएं, पिछले 12 घंटे में 19 नए पॉजिटिव केस। राजस्थान में कोरोना का मॉर्निंग अपडेट, पिछले 12 घंटे में 19 नए पॉजिटिव केस, सर्वाधिक 11 केस अकेले अजमेर जिले से आए हैं सामने। बांसवाड़ा में 1, जयपुर में 5, जोधपुर में 1, उदयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 52 मौत और 2383 पॉजिटिव। तो राजस्थान में कोरोना का ये मॉर्निंग अपडेट, पिछले 12 घंटे में 19 नए पॉजिटिव केस और सर्वाधिक 11 केस अकेले अजमेर से, जबकि जयपुर से 5, बांसवाड़ा में 1 और जोधपुर में 1, उदयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और राजस्थान में कोरोना से अब तक 52 मौत जबकि 2383 पॉजिटिव पाए गए हैं। और विकास शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विकास, 12 घंटे में 19 केस, जो पिछले कुछ दिनों को अगर हम देखें, लगातार हम मॉर्निंग अपडेट अपने दर्शकों को बताते हैं, क्या लग रहा है विकास, ये 19 केस किस तरीके से मायने रखते हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए खुशबू, अगर एक केस की बात करें तो आज सर्वाधिक केस जो है वो अजमेर जिले के अंदर सामने आए, जहाँ पे 11 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही और जो जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा में 1, उसके अलावा जयपुर में 5, जोधपुर में 1 और उदयपुर के अंदर 1 केस सामने आया। अब राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 2383 हो गई। लेकिन आज सुबह के मॉर्निंग अपडेट में अच्छी बात यही है कि कोई मौत किसी भी जगह पर अभी सरकारी खाते के अंदर रजिस्टर नहीं हुई है। और दोपहर 2 बजे उसके अंदर ज्यादा क्लियर हो पाएगी कि कितनी मौतें प्रदेश के अंदर और हुई है। लेकिन हम पिछले 2 दिन का ग्राफ देखें तो लगातार मौतों का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है और इसी को देखते विभाग ने अब अपना पैटर्न जो है, वर्किंग पैटर्न है, उसे थोड़ा बदलाव किया और अब लाइफ सेविंग पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी विकास तमाम बताते हुए, मॉर्निंग अपडेट देते हुए आपको कि किस तरह से मामले बढ़े हैं और किस तरीके से लोगों को क्योर भी किया जा रहा है। सिर्फ डरने की बात नहीं, ये भी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को बचाया भी जा रहा है, सही वक्त पर पता चलने पर उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 2383 पॉजिटिव फिलहाल राज्य में।